हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है भरवा भिंडी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आज हम भरवा भिंडी बनाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर करीब करीब 250 ग्राम भिंडियाँ ले ली हैं। भिंडियों को अच्छे से धोकर हमने साफ़ कर लिया है। भिंडियों को आपको बीच में से कट लगाना है इस तरह से। सबसे पहले तो आपको ऊपर का और नीचे का पार्ट अलग कर देना है भिंडी का, और बीच में से कट लगाना है। भिंडियाँ अगर आपकी ज़्यादा बड़ी हैं तो आप दो पीसेस में इनको कट कर सकते हैं और उसके बाद बीच में से कट लगा दीजिए। और अगर आपकी भिंडी छोटी हैं तो आप उनको बीच में से बिल्कुल भी मत कट करिए। इस तरह से एक ही कट आप बीच में से लगा दीजिए। तो इसी तरह से हमें सारी भिंडियाँ काट कर रख लेनी है। तो सारी भिंडियाँ आप इसी तरह से कट कर लीजिए। चलिए भरवा भिंडी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर लगभग 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर हमने ऐड किया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला और लगभग 1/2 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन। तो सिका हुआ बेसन हमने लिया है, लगभग 4-5 चम्मच बेसन हमने यहाँ पर डाल दिया है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप हाथ से मिलाएंगे तो मसाला अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए आप हाथ से मसाले को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम बनाते वक्त भी बाद में नमक डालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर कम नमक डाला है। अभी मसाले को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से आपको भिंडी में मसाला भरना है। मसाले को अच्छे से आप दबा दीजिए जिससे कि अंदर तक मसाला अच्छे से चला जाए भिंडी में। इसी तरह से आपको सभी भिंडियों में मसाला भरकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, हाथ से भर रहे हैं आप, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हाथ को आप गलती से भी मुंह या नाक पर टच मत कीजिए, नहीं तो मिर्ची बहुत ज़्यादा लग जाएगी। इसलिए इसी तरह से आप भिंडियों को अच्छे से भर लीजिए और भरने के बाद हाथों को अच्छे से धो लीजिए। तो सारी भिंडियों को हमने भर लिया है। बचे हुए मसाले को हम इस्तेमाल करेंगे सब्जी बनाते वक्त। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। एक कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है स्लो फ्लेम पर। कढ़ाई में तेल डालेंगे हम, तो लगभग 2 बड़े चम्मच तेल मैंने डाल दिया है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे जीरे। तो लगभग 1/2 टीस्पून जीरे डाल दिए हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन को मसलकर मैंने डाल दिया है। 2 से 4 चुटकी हींग मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो लगभग 2 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियों को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड किया है। थोड़ा सा हम इनको फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी भिंडी जो कि हमने भर के रखी हुई है। जैसे ही हल्के से भुन जाती हैं सभी चीज़ें, हम इसमें ऐड करेंगे भिंडियाँ। भिंडियों को डालने के बाद आपको पहले अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद भिंडियों को आपको ढककर पकाना है। तो मिलाने के बाद इस तरह से ढक दीजिए और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए भिंडी को इसी तरह से पकने दीजिए। तो लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमने भिंडियों को स्लो फ्लेम पर पकाया है। आप चाहें तो गैस की फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं, बस बीच बीच में भिंडियों को अच्छे से इसी तरह से चलाते रहिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बचा हुआ मसाला जो कि हमने बनाया था भिंडियों में भरने के लिए। नमक थोड़ा सा हमने डाल दिया है क्योंकि हम नमक पहले ही मसाले में डाल चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो मसाले डालने के बाद भिंडियों को हमें इसी तरह पकने देना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, भिंडियाँ हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। चाहे तो आप देख लीजिए चेक करके कि भिंडियाँ पकी हैं या नहीं पकी हैं, और अगर नहीं पकी हैं तो आप थोड़ी देर इनको और पका सकते हैं। अब इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। कुछ धनिया पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी भरवा भिंडी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।